हर हर महादेव, आपका स्वागत है हमारे चैनल आरटी कैंपस पे। इस क्लास को लेने से पहले मेरा बात मानिएगा, एक बार लिविंग वर्ल्ड का पूरा क्लास लीजिएगा, उसमें हम समझाए हैं कुछ, उसके बाद इस क्लास को लीजिएगा। आज जो हम लोग चीज़ पढ़ेंगे ना, वो है टैक्सोनॉमी। टैक्सो मतलब होता है अरेंजमेंट और नॉमी मतलब होता है लॉ। ये ज़रूरी क्यों पड़ा वो सुनिएगा। हम क्या करते हैं, ढूंढने चलते हैं, हमको पता चलता है भाई साहब इस पृथ्वी पे, किस पे, इस अर्थ पे लगभग 1 ट्रिलियन प्रकार का स्पीसीज हो सकता है। ये हम नहीं बोल रहे हैं, साइंटिस्ट का स्टेटमेंट है। 1 ट्रिलियन प्रकार का स्पीसीज हो सकता है, जिसमें से एनसीईआरटी बोलता है 1.5 मिलियन डिस्कवर हो चुका है, लेकिन एक्चुअली में ये लगभग 1.7 मिलियन है डिस्कवर हुआ, ठीक है। जिसमें से एनसीईआरटी कितना बोल रहा है 1.5, तो 1.5 अगर एनसीईआरटी का फॉलो करिएगा तो 1.5 डाटा चेंज होते रहता है ना, एनसीईआरटी पुराना डाटा फॉलो कर रहा है। तो ऐसा ना हो कि हम 1.7 बोल रहे हैं, कोई आके कमेंट में बोल दीजिएगा सर जी आपको आता होता नहीं है 1.5 है। नहीं, साइंटिस्ट बोल रहे हैं कि इस अर्थ पे लगभग 1 ट्रिलियन स्पीसीज है। अगर हम 1 ट्रिलियन स्पीसीज को अलग अलग पढ़ने लगे ना, तो हमर जैसा जो है ना 50 गो जनरेशन निकल जाएगा, तैयो ही ख़त्म नहीं होगा। हम क्या करते हैं, इसको अरेंज कर देते हैं। क्या कर देते हैं, अरेंज कर देते हैं। अरेंज मतलब होता है इसको इस प्रकार से सजा देते हैं, इस प्रकार से इसको बढ़िया से रख देते हैं कि हम अगर एक स्पीसीज को पढ़ें तो उसके जैसा जो भी स्पीसीज हो ना, उसका सब करेक्टर इसी के अंदर रहे और वो सारा स्पीसीज एक साथ अध्ययन हो जाए। तो मतलब हम इतने स्पीसीज को अलग अलग ना पढ़ के कॉमन करेक्टर निकाल के एक स्पीसीज को पढ़ के उसके जैसा जितना स्पीसीज होगा उस सबको एक साथ अध्ययन करने के, एक साथ अध्ययन हो जाए, इसी को बोलते हैं, इसी चीज़ को करने के लिए हम लोग लाते हैं टैक्सोनॉमी। तो टैक्सो मतलब होता है अरेंजमेंट, नॉमी मतलब लॉ। अब ऐसा तो नहीं है कि कुत्ता को बिल्ली के साथ फिट कर देंगे, बिल्ली को बंदर के साथ। कुछ रीज़न होगा, कुछ कानून बनाया गया है कि भाई साहब कुत्ता कुत्ते वाले जीव के साथ जाएगा जो उसके जैसा होगा, बिल्ली जाएगा शेर बाघ के साथ क्योंकि उसके जैसा करेक्टर है, बंदर आएगा आप जैसे इंसान हमारे जैसे इंसान के साथ, मतलब कुछ करेक्टर सिमिलर होगा। तो लॉ के अनुसार जो हम अरेंजमेंट करेंगे ना, इसी को बोलते हैं टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी शब्द जो है ना, सबसे पहली बार दिया गया था ए पी डे केंडोले साहब के द्वारा। ये एक बुक लिखे थे, थ्योरीज एलिमेंटेयर डीला बोटेनिका, हाँ यही है, याद आ गया, बोटेनिका डीला बोटेनिका। टैक्सोनॉमी शब्द को सबसे पहली बार जो एक्सप्लेन करने वाले साहब थे, साइंटिस्ट थे, वो थे ए पी डे केंडोले साहब। एक बुक लिखे थे थ्योरीज एलिमेंटेयर डीला बोटेनिक। ये इस बुक में क्या कहते हैं, प्रोनंसिएशन डिफेक्ट हो सकता है, ये इंग्लिश शब्द नहीं है, ये एपिडेगोंडले शब्द जहाँ के थे वो शब्द है तो हो सकता है, लेकिन टैक्सोनॉमी को केंडोले साहब दिए थे, हमको इतना पता है, बाकी चीज़ बाहर में जाए, ठीक है। उसके बाद एक शब्द आता है सिस्टमैटिक्स। क्या आता है, सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक्स मतलब होता है सिस्टम के साथ अरेंजमेंट करना, सिस्टम के साथ अरेंजमेंट करना। सिस्टमैटिक शब्द जो दिया गया था वो दिया गया था लिनियस साहब के द्वारा। लिनियस साहब के बारे में तो सब कुछ पढ़ना है अपने को, तो लिनियस को लेके आप चिंता मत करिए, लिनियस हम पूरा पढ़ाया जाएगा, तो लिनियस को लेके टेंशन मत लीजिए। सिस्टमैटिक्स का मतलब होता है सिस्टम के साथ अरेंजमेंट करना। सबसे पहले तो इसमें टैक्सोनॉमी ही आ जाता है, और इसमें जोड़ देते हैं इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। मतलब हम अरेंज तो कर रहे हैं लॉ के अनुसार ही, लेकिन उसका इवोल्यूशन भी देख रहे हैं। अब ये इवोल्यूशन क्या होता है, बना तो होगा एक ही जीव, जिसको इवोल्यूशन समझना हो शॉर्ट में, डिस्क्रिप्टिव में, वो ओरिजिन एंड इवोल्यूशन वाला प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा, हम वहाँ बताए हैं। बना तो होगा एक ही सेल यूनिवर्स में कभी ना कभी, इसी से अभी ये 1 ट्रिलियन प्रकार का स्पीसीज बना है। ये जो अपडेट हो रहा है ना, टाइम टू टाइम जो अपडेट हो रहा है, इसी को बोलते हैं इवोल्यूशन। तो इवोल्यूशन का मतलब क्या हुआ, टाइम टू टाइम अपडेट या एडवांसनेस या नेचर के साथ बदलाव, इसी को क्या बोलते हैं, इवोल्यूशन। तो इवोल्यूशन मतलब क्या हो गया, सॉरी वो थोड़ा हल्ला होने लग गया था, नौसिम हाँ क्या पढ़ा रहे थे भूल गए। हाँ, सिस्टमेटिक शब्द लिनियस साहब दिए थे,
और पता है आपको इतना ज़्यादा ये प्रभावित हो गए कि ये अपना एक पब्लिकेशन था जिसका नाम था सिस्टेमा, सॉरी मतलब अपना ये जो चीज़ पब्लिश किए उसका टॉपिक का नाम ही रख दिए सिस्टेमा नेचुरी। ये कर क्या रहे थे, हमको किसी भी जीव को आइडेंटिफाई करके अलग अलग करने के लिए जो है ना तीन चीज़ लेना पड़ रहा था। सबसे पहला जो चीज़ था वो था आइडेंटिफिकेशन करना। सबसे पहले भाई साहब पहचानो तो सही कि वो जीव है या नहीं है, लिविंग है या नॉन लिविंग है, या जीव पहले डिस्कवर हो चुका था। दूसरा काम था उसका नामकरण करना, नोमेनक्लेचर करना। और तीसरा जो सबसे मेन काम था वो था क्लासिफिकेशन, उसको क्लासिफाई करो उसके अकॉर्डिंग जो लॉ है। तो ये तीन चीज़ अपन करते थे, ठीक है। तो इस चीज़ को पढ़ने से पहले जो है ना हम दो टॉपिक और ऐड करेंगे अभी प्लेलिस्ट में, एक है टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी और दूसरा है टैक्सोनॉमिकल एड। हम ऐसा कहेंगे आपसे, विनती तो नहीं करेंगे, आग्रह करेंगे कि आप उस दोनों टॉपिक को पहले पढ़ लीजिएगा तो ये तीनों अपने आप समझ में आ जाएगा। तो हम इस टॉपिक को यहीं पे रोकते हैं, उसके बाद वो दो टॉपिक डालते हैं फिर आगे, ठीक है।